नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ, और आज हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में विपक्ष की कहानी। सुनो सरकार की जुबानी। तो उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत कांग्रेस जनहित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने जा रही है। खटीमा से कांग्रेस 3 सितंबर को परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है, और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जनता से राज्य में परिवर्तन लाने की मांगें करेगी। साथ ही जनता तक सरकार की विफलताओं को पहुंचाया जाएगा। वहीं इन मुद्दों को अधार देने के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व का भी साथ मिल रहा है। दरअसल आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर बेरोजगारी का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। आज हम इसी पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। इसी के तहत कांग्रेस प्रथम चरण में 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जनता से राज्य में परिवर्तन लाने की मांग करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी सत्ता पक्ष को घेरने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़कर 14.2% हो गई, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में एक हो गया है बेरोजगारी की दिशा। पलायन जो यहां से होता आ रहा है, आप मैं ये अपनी प्रेस रिलीज के माध्यम से आंकड़े भी आपसे साझा करूंगा, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग रजिस्टर होते हैं उनकी संख्या 78 लाख के आसपास चली गई, नौकरी मिली सिर्फ 900-800 ऐसे नौकरियां दी गई। तो इतना बड़ा धोखा जब आप उत्तराखंड की जनता के साथ करेंगे, उत्तराखंड के नौजवान के साथ करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो नौजवान भूल जाएंगे? कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने में परिवर्तन लाना चाहिए, ना कि यात्राएं निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन नहीं किया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक करीब 8 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलने में लगी है, जबकि जनता महंगे पेट्रोल डीजल रसोई गैस से परेशान है। कांग्रेस को अपने अंदर ही परिवर्तन करना होगा। जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर घमासान चल रहा है, तो हमारा उनको यही कहना है कि पहले वो अपनी पार्टी की ओर देखें। और जिस समय कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर सत्ता में थी तो किस प्रकार का भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया, ये हम सब ने देखा है। और इन 4.5 सालों में भी विपक्ष के नाते भी उनकी भूमिका केवल और केवल नकारात्मक रही और व्यवधान डालने वाली रही। तो बहुत बेहतर होगा कि कांग्रेस अपने में परिवर्तन लाए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हम अपने कार्यों के आधार पर चुनाव में जाने वाले हैं। पिछले 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तो रोजगार है नहीं, रोजगार सरकार देने में विफल रही है, कोरोना के कारण जिनके रोजगार थे, व्यवसाय थे, वो भी चले गए हैं। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है महंगाई। खाने का तेल हो या गाड़ी का तेल हो, पेट्रोल डीजल हो, सब कुछ महंगा, गैस महंगी, सब कुछ महंगा। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने और अपने दिल्ली से आए नेताओं को खुश करने के काम में लगी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अब राज्य स्तर पर भी जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा राज्य में परिवर्तन ला पाएगी।
क्या सदन में भी कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर सरकार को घेर पाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो क्या कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा राज्य में परिवर्तन ले आ पाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना चलता ही रहा, पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? पचहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले टनकपुर से आपको खबर बता रहे हैं। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिन के लिए बंद। स्वाला के पास पहाड़ी दरकने से राजमार्ग बंद हुआ है। जिला अधिकारी विनीत तोमर ने इसकी पुष्टि की। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह हैं। पूरा का पूरा पहाड़ दरक जाता है, बहुत ही डेंजरस पूरा पहाड़। ये तस्वीरें बहुत दिल को दहला देने वाली और भयावह तस्वीरें हैं कि मंजर देखिए, जहां पर पूरा का पूरा पहाड़ दरक के हाईवे पर आ जाता है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इसकी पुष्टि की है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 2 दिन के लिए हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिन के लिए बंद हुआ और भयावह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा अचानक दरकने लगता है और ये दरकते दरकते पूरे के पूरे हाईवे को अपनी जद में ले लेता है। और सुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिन के लिए बंद हो गया है और दर्शकों को इस वक्त हम भयावह तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? सुरेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद सुरेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
फिलहाल टनकपुर की चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कितनी खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ दरकने से पूरा का पूरा जो हाईवे है वो दो दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिया। टनकपुर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग दो दिन के लिए बंद कर दिया गया। बहुत ही खतरनाक स्लाइडिंग हो रही है, पूरे पहाड़ आ गया है। टनकपुर से खबर है इस वक्त, चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग दो दिन के लिए बंद है। ये बहुत ही खतरनाक सीन है, पूरा पहाड़ आ गया, देखिए पूरा पहाड़ आ गया, देखिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस पूरा पहाड़। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, के पास बहुत ही डेंजरस स्लाइडिंग हो रही है, इतनी खतरनाक स्लाइडिंग पहले कभी नहीं देखी। पूरा पहाड़, जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इसकी पुष्टि की है, पहाड़ का एक हिस्सा बहुत डेंजरस आप देख सकते हैं, दरक के सड़क पर आ जाता है और पूरा का पूरा चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल दो दिन के लिए बंद कर दिया गया। बहुत ही जबरदस्त, स्वाला के पास बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक स्लाइडिंग हो रही है, बहुत ही। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इसकी पुष्टि की है। टनकपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बहुत ही खतरनाक स्लाइडिंग हो रही है, पूरे पहाड़ आ गया है। टनकपुर से खबर है, चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग दो दिन के लिए बंद हो गया है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इसकी पुष्टि की है। पहाड़ आ गया भाई, हट जाओ। और आप देखिए कैसे पूरा पहाड़ आ गया, देखिए पूरा पहाड़ आ गया, देखिए पूरा का पूरा पहाड़, बहुत ही डेंजरस पूरा पहाड़, बहुत खतरनाक स्वाला के पास, बहुत ही डेंजरस। और चलिए यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करे। कोई पिछड़ा रहे ना, अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विपक्ष की सुनो कहानी, सरकार की बेईमानी। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और इस परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस क्या राज्य में परिवर्तन ला पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को कैसे हल किया जाएगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना काल पे बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं। कोरोना काल के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं। इसके बाद आने वाले चुनाव के मद्देनज़र तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के सामने चुनौती बने खड़े हुए हैं। फिलहाल बीजेपी इन तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, इसमें आलाकमान का भी उसे साथ है, क्या ये परिवर्तन यात्रा कुछ परिवर्तन ला पाएगी? उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और बीजेपी है, और ज़बरदस्त तरीके से जिसे कह सकते हैं कि एक तरफ प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। और इन सब के बीच
तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के जनता के दिल से जुड़े हुए हैं। क्या इन तमाम पार्टियां, खासकर बात करें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्या आम जनता के नफ्स को छू पाएंगी, नफ्स को पकड़ पाएंगी? ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। फिलहाल 3 सितंबर को कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी पर बेरोजगारी का आंकड़ा छिपाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। राज्य में परिवर्तन यात्रा से क्या परिवर्तन कांग्रेस ला पाएगी, फिलहाल ये देखने वाली बात है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। राज्य में परिवर्तन लाने की कांग्रेस मांग कर रही है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है और कहा है कि हम तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, जिन पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो फ्री ऑफर दे रही है। क्या फ्री ऑफर जनता को पसंद आएगा, ये भी देखने वाली बात है। क्या दिल्ली का मॉडल जनता को पसंद आएगा, ये भी फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी बना ली है। राज्य में परिवर्तन लाने की मांग होगी। कांग्रेस बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, बढ़ती हुई गैस के दाम और बढ़ते हुए बेरोजगारी के आंकड़े, इन तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखेगी, जिसको लेकर 3 सितंबर को कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालेगी। क्या इस यात्रा से कांग्रेस परिवर्तन ला पाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी मुद्दे और चुनौतियां कम नहीं हैं। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं, बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं लोगों ने पलायन किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उससे बड़ी चीज़ देवस्थानम बोर्ड, जिसको लेकर जो तमाम साधु संत हैं वो एक तरह से जिसे कह सकते हैं प्रदर्शन पर है। तो ये तमाम मुद्दों का हल बीजेपी कैसे निकालेगी वक्त रहते, और सीएम धामी के सामने भी कहा जा सकता है ये बड़ी चुनौती है, और इन चुनौती से कैसे पार पाएंगे धामी, क्योंकि वक्त कम है, सिर पे ताज है और सबसे बड़ी बात है चुनाव का आगाज़ है। तो कैसे इन तमाम चीज़ों से पार पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल 3 सितंबर को कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। राज्य में परिवर्तन लाने की इस यात्रा के माध्यम से मांग होगी और संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, और इन्हीं प्रयासों का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड के किसानों की पहुंच अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतरी के साथ संभव हो रही है, और इसका माध्यम बना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। आज राज्य के किसी भी सुदूर गांव में उगाई जा रही फसल न केवल एशिया बल्कि यूरोपियन देशों में भी पहुंच रही है।
उत्पादन गुणवत्ता पूर्ण होने की वजह से उत्तराखंड की फल सब्जियों से लेकर खास किस्म के अनाज तक की डिमांड आज विदेशी बाजारों में खूब हो रही है। सरकार की तरफ से अभी किसानों को बहुत मदद की जा रही है। सभी जितने किसान हैं सभी को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है, जिनको सरकार की तरफ से काफी चीज उपलब्ध कराई गई है। सबके कंपोस्ट पिट बनाए गए, स्प्रे मशीनें दी गई और अपने घर में कीटनाशक बनाने के लिए अपने उन ड्रम आदि दिए गए और लोगों को उसकी ट्रेनिंगें दी गई कैसे आपने जैविक खेती करनी है और जैविक खेती के बाद जो आपका उत्पादन होगा उसको आपने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ आपने उसको बेचना है। ये सरकार की तरफ से काफी मदद की जा रही है किसानों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की उन्नति का संकल्प सिद्ध हो रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला जैसी अन्य फल सब्जियों के निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं जैपनीज खेती भी करता हूँ। सबसे कॉस्टली है वो राइस है जो कि 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। मेरे पास सोयाबीन है जिसका फल भी बिकता है, दाना भी बिकता है दोनों। उत्तराखंड में रागी, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का जैविक उत्पादन करने वाले किसान आज उत्साहित होकर खेती से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो विभाग की मदद से अपने कुछ प्रोडक्ट को देश से बाहर भी बेच पा रहे हैं। जैसे चावल है आपका, मसाले हो गए आपके और हनी हो गया, और फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। संकल्प से सिद्धि, कृषि से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विपक्ष की सुनो कहानी, सरकार की जुबानी, इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गैस जुड़ने, आप सीधे आपका तारुफ करा देते हैं। विनोद सुयाल बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विनोद सुयाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल भास्कर कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समित टिक्कू आप प्रदेश प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ गए, समित टिक्कू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार है इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे चलते हैं जय सिंह रावत जी के पास। जय सिंह रावत जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप जिसे कह सकते हो उत्तराखंड की जो सियासी तस्वीर को बहुत करीब से देखते हैं और मौजूदा वक्त में जो मुद्दे हैं और जिस तरह से तमाम पार्टियां एक तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही और रिझाने की कोशिश कर रही हैं, आने वाले चुनाव को और इन पार्टियों के सामने चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं? इसे चुनाव का वक्त है, यही समय है जबकि उत्तराखंड के मुद्दे उठने चाहिए और उस पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि किस पार्टी का क्या व्यू है कि यहाँ के उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर और उनका क्या अप्रोच है, उनको क्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगी और वो यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की जो विकास की जरूरतों को समझती। तो इस तरह से होना चाहिए। तो अभी मुद्दे तो आ रहे हैं लेकिन फिलहाल बहुत तो हल्के ढंग से देखो। आपकी नजर में उत्तराखंड में सबसे बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दा तो बेरोजगारी का तो इन्होंने बताया ही है सभी, बोलो ये तो परमानेंट मुद्दा है, महंगाई का परमानेंट मुद्दा है। लेकिन उत्तराखंड की बेरोजगारी जो आप समझते हैं कि ये कोरोना की वजह से बंद हो गया है, तीर्थाटन बंद हो गया, पर्यटन बंद हो गया, तीर्थाटन और पर्यटन पर यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट, इसमें हजारों हजारों तो बसें हैं, उसमें लाखों परिवार उससे जुड़े हुए हैं, वो जब बंद हुआ तो उनके सामने आया समस्या आई है, वो उसे कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि पलायन वाली पिछली सरकार ने किया, पलायन आयोग तो बनाया लेकिन सॉल्यूशन उसका कुछ नहीं निकला। तीसरा ये आने वाली वेब आने वाली है कोरोना की, कह रहे हैं कि अब अक्टूबर तक आ सकती है, उसके लिए इनकी क्या तैयारियां हैं ये देखने वाली। पिछली बार जो प्रवासी आए थे उस समय अच्छा मौका था कि उनको यही रिटेन करते, उत्तराखंड में तो कई 4-5 लाख लोग बाहर से आए थे लेकिन अल्टीमेट सारे बाहर चले गए। इसका मतलब उनको यहाँ मुफीद लग नहीं कि उनको लगा नहीं कि यहाँ अपना आजीविका कर पाए, इसका मतलब यहाँ अभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। सरकार केवल इस पार्टी के समर्थन नहीं है जो इस समय है, जो सरकारें आती रही हैं अब तक की है, ये सब इसकी जिम्मेदारी है। इस बार तो सब वही पलायन की बात है, कहा गया माइग्रेशन
रिवर्स माइग्रेशन होगा वो क्या हुआ। असली मुद्दा जो यहाँ के जो जमीनों का जो भू कानून की बात उठ रही है, पिछली सरकार तो भू कानून तो थोड़ा बहुत बनाया हुआ था, ठीक था, कलूरी जी के जमाने बना था, तिवारी जी के जमाने बना वो था, वो 2018 में उसके बाद निरंतर उसमें संशोधन होते रहे और उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया। उस पर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भी हो, अब सस्ते से देंगे सब, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, वो सारी चीजें देंगे, ये तो असली मुद्दे तो पहाड़ के नहीं ना, यहाँ तो यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें उसको मजबूत किए जाने की सवाल है। दूसरा जो पहाड़ खाली हो रहा है वो कैसे दोबारा बसे, ये वाली बात है। आपने राजधानी के बात अभी सेटल नहीं है, कोई कुछ कहते हैं ग्रीष्मकालीन बोल दिया, दूसरी पार्टी बोल दी, नहीं ये फाइनल होना चाहिए। आखिर पॉलिटिकल पार्टी चाहती क्या है, गैरसैंण का करना क्या चाहती है, वो भी इस चुनाव में तय हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भ्रष्टाचार तो है समस्या, और भ्रष्टाचार की दिक्कत ये है कि आम आदमी को सूट करने लग गया है भ्रष्टाचार, क्यों, अगर आम आदमी को सूट नहीं करता तो भ्रष्टाचारियों को वोट ही नहीं देते। अब भ्रष्टाचार तो ऐसा हो गया कि हर पार्टी में तो कहने वाली बात है हम जीरो टॉलरेंस है, लेकिन है कौन, सबके एक ही जैसी, क्योंकि आप उसका लोकायुक्त बनने नहीं देते हैं, लोकायुक्त जो पार्लियामेंट ने बना के भी दिया तो विधानसभा में जाके छुपा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकालो ना, तो सुप्रीम कोर्ट विधानसभा को तो नहीं बोल सकता। अब देखने वाली बात है कि इस बार जो अभी चल रहा है क्या लोकायुक्त पर क्या स्टैंड होता है। ठीक है, ठीक है जयसिंह रावत जी, तो कई अहम मुद्दों पर का जिक्र जयसिंह रावत ने किया साफ तौर पे। हमारे साथ अनिल भास्कर कांग्रेस नेता इस वक्त है। अनिल भास्कर जी, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर को निकालने जा रही है, क्या मकसद रहेगा इस परिवर्तन यात्रा के मकसद से, क्या संदेश देने की कोशिश कांग्रेस करेगी? संदेश साफ है, संदेश तो जनता के सामने पूरा क्लियर है, और संदेश जनता दे रही है कांग्रेस को, तो सिर्फ उनके सामने रह करके इस बात को याद दिलाना है कि कांग्रेस ने इस प्रदेश को स्थापित किया जब जनता की भावनाओं के अनुरूप, जब तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उन्होंने जब पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से रोजगार के सृजन किए थे, इतने सारे अवसर पैदा किए थे, और इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने ऐसी योजनाएं लेकर के आए थे जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना है और अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें स्वरोजगार भी हो सकते हैं, नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन उन सबको पलीता लगाने का काम पिछले 5 सालों के अंदर बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है। और अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो महंगाई के साथ साथ पूरा पहाड़ जो है उसमें बिल्कुल बेरोजगारी की चरम पर इसलिए है क्योंकि पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसा प्रदेश मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के बाद जिसमें कि पर्यटकों को आने के इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि वो यहाँ पे आने के बजाय कहीं अन्य दूसरे प्रदेशों में घूमने निकल जाते हैं। बड़े दुख की बात तो इस बात की है कि जो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन तक के लिए आते हैं उनको बॉर्डर पर तक पे इस तरह पर इस प्रकार से परेशान किया जाता है जैसे वो लोग घूमने आ रहे हो, तो इस प्रकार की छवि जब लोग लेकर के घूम रहे हैं और उसके बाद हम लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, सरकार उनको मदद देने के बजाय और उनके ऊपर बिजली बिल, पानी बिल, अन्य जो हाउस टैक्स है, सीवर टैक्स है, ये सब टैक्स डाल करके उनको परेशान करने का काम कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि एक तरफ तो बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन सबको जनता के सामने लेकर के जा रहे हैं इसलिए क्योंकि जनता के लिए जिस प्रकार से काम प्रदेश सरकार ने करने चाहिए थे, जिस प्रकार से उनको सहयोग करना चाहिए था, जो सहायता देनी चाहिए थी, उसमें कहीं भी उसने प्रदेश सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया है। अभी जैसे जयसिंह रावत जी ने कहा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा एक व्यवसाय है, निश्चित रूप से उसमें आज की तारीख में घरों पर गाड़ियां खड़ी हैं और बैंक के लोन बढ़ते जा रहे हैं, उनको फोन किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, और इस प्रकार से होटल स्वामी हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि सरकार को तत्काल कोई ना कोई आदेश जारी करके उनको सहयोग करना चाहिए था, बिल्कुल भी उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया है। एक जयसिंह रावत जी की बात और मैं कहना चाहता हूँ, गैरसैंण में गैरसैंण का मुद्दा कांग्रेस को लेकर के साफ साफ है कि वो संपूर्ण राजधानी बननी चाहिए, पूरे 12 महीने की राजधानी बननी चाहिए, पूरे नियमित राजधानी बननी चाहिए, और इस राजधानी को बनाने का काम हरीश रावत सरकार ने शुरू किया था, उसमें जब वहां पर बिल्डिंग बनाई गई, जब वहां पर विधानसभा का काम गया, इसीलिए शुरू किया गया था कि वो स्थायी राजधानी होगी ना कि अस्थायी राजधानी। तो ये तो आप सब लोगों को सोचना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से काम होना है। दूसरी बात महंगाई की बात यह है कि आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो सरसों का तेल खाने पीने की चीजें हैं वो इतनी महंगाई पर पहुंच गया है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अनिल भास्कर जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ इस वक्त विनोद सुयाल जी भी जुड़े हुए हैं,
विनोद सोयल जी, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा जो है साफ तौर पर निकालने जा रही है। आपने सुना कि तमाम बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखा जाएगा, बीजेपी क्या सोचती है इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और निश्चित रूप से 7 वर्षों के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत अच्छे काम किए, चाहे बिजली, सड़क, पानी, रेल और पर्यटन के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में अच्छे काम किए। 4 वर्षों के बाद उत्तराखंड की सरकार ने जो हमारे अच्छे काम किए, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा एक मुझे लगता है कि एक ढकोसला है, इसका परिवर्तन हो चुका है। जो नेता प्रतिपक्ष था वो अध्यक्ष बन गए हैं, और मुझे लगता है कि अभी लंबी यात्रा इनकी चलती रहेगी नेता प्रतिपक्ष की। और फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम जनता के बीच में किया है, सोहेल साहब जनता के बीच में बताइए कौन से काम किए, कौन कौन से काम तो बता दीजिए ना, आपने जनता के लिए जो काम किए हैं। आप कांग्रेस की बात आ गए, जनता के बीच में आप 5 साल रहे, 5 साल वाले आपने कौन से काम किए वो बताइए। बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना है पूरा पूरे समय तक। जब आपकी बारी आएगी आप तो जवाब देना मेरी बात का, मैं कहीं भाग नहीं पाऊंगा डिबेट में। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 वर्षों के अंदर इतने काम किए हैं कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, जिसमें 2.5 घंटे देहरादून से दिल्ली जाएंगे, जिसमें ऑल वेदर रोड बनी है, जिसमें जो है सुरंग बनी है, जिसमें जो है तो अब हवाई सेवाएं प्रारंभ की जा रही है। निश्चित रूप से अगर 1.5 वर्ष का जो समय था केवल 1000। विनोद सोयल जी, कांग्रेस का आरोप है कि आपने जो बेरोजगारी के आंकड़े वो छिपाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड राज्य के अंदर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 7 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया है 1.5 वर्ष के अंदर। कोविड का ठीक है, विनोद सोयल जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमको भरने का प्रयास जारी जारी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में सिर उठाकर जाएगी और निश्चित रूप से हम, हमारा जो पूरा कार्यक्रम, हमारा जो पूरा संगठन है, हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से इस कोविड के समय में जनता की सेवा के लिए हमने कई कार्यकर्ताओं को इस कोविड के समय में खोया भी और जनता की सेवा को, और हमने जो अच्छे काम किए उन कामों को जनता के बीच में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और हम 57+ पार करेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी है उसको अभी जो है तो मुझे लगता है कि अभी विचार करना चाहिए, अभी अभी आराम से जो है तो जरा विपक्ष में रहने की आदत डाले, क्योंकि वो नकारात्मक राजनीति की तरफ ज्यादा है। उन्होंने केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है और कहीं पर भी सकारात्मक सहयोग की भूमिका उन्होंने इस कोविड के समय में भी नहीं की। और मुझे लगता है कि इससे जनता सब समझती है, और जनता निश्चित से उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी विचारधारे की जनता है। सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का जो हमने यहाँ पर काम किया है वो निश्चित रूप से किसी भी पुलिस सैनिक को हम पूछेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि उसको उससे कितना फायदा हुआ है। हमने किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को जो पैसा, ठीक है विनोद सोयल जी आपकी बात आ गई। समीर टिक्कू जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। समीर टिक्कू जी, मेरा सवाल है, एक तरफ परिवर्तन यात्रा है, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इन यात्राओं को लेकर, और कौन सी यात्रा आप लोग निकालने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ये जो यात्रा की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो शेखी बगाड़ने वाली जो यात्रा पे ज्यादा यकीन करती है दोनों पार्टियां। और जब तक ये बात करें परिवर्तन यात्रा और आशीर्वाद यात्रा, तो आम आदमी पार्टी पहले से ही एक व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा जन जन के बीच पहुंच के उनके मन में जगह बना के काफी हद तक पूरी कर ली। अगर देखा जाए, एक परिकल्पना करी थी आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व की, एक पहाड़ी राज्य बनाया जाएगा जिसकी अपनी समस्याओं का हम जो है निराकरण करेंगे, लेकिन आज कहीं पे भी वो हमारे पूर्वजों की परिकल्पना का कहीं भी छोटी सी भी अंश ऐसा नहीं लगता है कि वो पूरा हुआ हो। और मेरा मानना है कि पूरा प्रदेश जो है वो राम भरोसे चल रहा है, उद्योगपति सिर्फ पति रह गया है, उद्योग गायब हो चुके हैं। देखिए, जहां तक सबसे पहले हमारी बेरोजगारी का सवाल है, तो उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी जो नेशनल
जो दर है उससे आगे पहुंच चुकी। तो सबसे पहली चीज एक हमारे देश के लिए कुछ इस तरह से सोचना है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी। लोकतंत्र का असली मतलब क्या है कि जिसमें जनता का भला हो, लोग जन का तंत्र हो। लेकिन जब ये तंत्र मंत्र में ज्यादा पड़ जाते हैं तो इसमें षड्यंत्र आ जाता है, और इन दोनों पार्टियों ने एक तरीके से षड्यंत्र किया है और पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। जो हम कहते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी किसी के काम, पहाड़ के काम नहीं आती है, इसी परिकल्पना को लेकर उत्तराखंड बना था कि शायद अब इसके काम आ जाए। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ को लूटने का काम किया है, तो हम जिस स्थिति में थे उससे भी बुरी स्थिति में आ गए हैं। सबसे पहली चीज हमें ये देखना चाहिए कि समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, और हमारा या सरकार का योगदान कहाँ क्या है। तो अब ये समस्या को भी मैं देख रहा हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के श्रीलाल जी तो जिस तरह से बात कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि भाजपा का चेहरा, चरित्र, चाल सब सामने आ रही थी। कितनी निरंकुशता और कितनी संवेदनहीनता दिख रही है कि कितना इन्होंने अपनी शेखी बगा रहे हैं, हमने काम किया है। उसके अगर विपरीत आप देखिए, अभी आपने एक न्यूज चलाई कि लोहाघाट वाला मार्ग में पूरी तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो दिल्ली के लोगों या अस्पतालों में इलाज होगा, उत्तराखंड जाओ आप। अरे आप हमारे जो है अपनी बात, तो जो एक सबसे बड़ी चीज क्या है सियाल साहब, जो हमारा प्रदेश नेचुरल डिजास्टर की वजह से पीछे नहीं जा रहा है, हमारा प्रदेश पॉलिटिकल डिजास्टर की वजह से पीछे जा रहा है। ठीक है जवाब ले लेते हैं। विनोद सोयाल जी जवाब दें। तो यकीन मानिए यही उत्तराखंड राज्य जो होगा, ना सिर्फ अपने युवाओं को, पूरे प्रदेश, पूरे देश भर के युवाओं को भी यहाँ पे रोजगार देगा। बिल्कुल भी काम ना करें, मेरा निवेदन बोलने का काम अभी तक सिर्फ आप लोगों ने किया है। हम तो अभी आए हैं, गलत तथ्यों पर बात ना करें। कांग्रेस ने इस प्रदेश के लिए काम किया है, नहीं गलत तथ्यों पर बात ना करें, बिल्कुल भी गलत तथ्यों पर आपसे बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मेरा निवेदन है। कांग्रेस की स्थिति है राहुल पे शुरू, राहुल पे खत्म। उसके अलावा आप इस प्रदेश की राजनीति भी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये झूठ बोलने वाले काम बंद कर दें। प्रदेश के अंदर आज जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो सारे कांग्रेस के समय हुआ, रोजगार हुआ कांग्रेस के समय, सृजन हुआ, और तथ्य है ये। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बिना मतलब के नास्तिक बात ना करें, तथ्यों पर बात करें हमेशा, जब भी करें आप। ठीक है मैं आऊंगा अनिल भास्कर जी, पहले जवाब दें। विनोद सोयाल जी, जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही उसका जवाब दें, फिर मैं आता हूँ आपके पास अनिल भास्कर जी। आपके पास आऊंगा समिति को जी विनोद सोयाल जी बात को पूरा करें जल्दी से एक उम्मीद की किरण अगर है तो एक आम आदमी पार्टी है। उनका दोनों पार्टियों से मोहभंग होता है, भाजपा की और आने वाले समय पे, आने वाले समय में समित टिक्कू जी मैं आऊंगा आपके पास। मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, समित टिक्कू जी मैं आऊंगा आपके पास। विनोद सोयाल जी जवाब दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही। हाँ हाँ विनोद सोयाल जी बोले। देखिए आम आदमी पार्टी केवल प्रोपेगेंडा कर रही है, ये इनके नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो साइन बोर्ड करवाते हैं, उत्तराखंड में आध्यात्मिक बन जाते हैं, दिल्ली में इनका पार्षद जो है तो बम बनाता है, और यहाँ आके ये बड़े शांत हो जाते हैं। जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है, उसने उत्तराखंड राज्य बनाया है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सत्प्रयासों से, उत्तराखंड की माता बहनों के सत्प्रयासों से इस राज्य कल्पना को साकार किया गया है। निश्चित रूप से इस राज्य की भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी ही समझती है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश भी, और आने वाले समय में भी हमको ही जनादेश प्राप्त होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है तो केवल प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है, केवल जो है तो जनता को समझबाग दिखाने का प्रयास कर रही है। यहाँ की अच्छी तरह विनोद सोयाल जी, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए आप क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे? कोशिश कर रहे हैं कि हमने 7 वर्षों में केंद्र की सरकार ने और 4.5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में जो काम किया है उसको लेकर हम जनता के रूप में जाएंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता एक राष्ट्रवादी विचारधारा से विश्वास रखती है,
और दूर छोर में बैठा हुआ जो हमारा संगठन है, जो मजबूत संगठन है, उसके दम पर आने वाले चुनाव में हम जो है तो 57+ जीत कर उत्तराखंड राज्य के अंदर 2022 में पुनः सरकार बनाएंगे। और जो ये राजनीतिक जो इस समय जो सेकी बगाड़ रहे हैं बड़ी बड़ी, जो हमें कह रहे हैं हम सेकी बगाड़ रहे हैं, सेकी ये बगाड़ रहे हैं बड़ी बड़ी, जो बड़ी बड़ी सेकी बगाड़ रहे हैं, इन्हें पता लग जाएगा 2022 में कि ये किस स्थिति थे और कितने पानी में थे। ठीक है, अनिल भास्कर जवाब दे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि सरकार बनाना एक अलग मुद्दा है, जनता के लिए काम करना अलग मुद्दा है। आज संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग में शामिल कर दिया गया है, जो लोग 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे थे, नियमित होने का उम्मीद थी उनको कि हम लोग नियमितीकरण में आएंगे और हम लोग परमानेंट होंगे। आज उन युवाओं को, आज उत्तराखंड के लोगों को, आज उनका उत्तराखंड के बहन भाइयों को आज आउटसोर्सिंग करके बेरोजगारी की लाइन में खड़ा कर दिया, एक प्रकार से उनको आज दोबारा समस्याओं के मुंह में धकेल दिया गया है। आने वाले समय में खनन खोलने का प्रयास चल रहा है, सरकार के नुमाइंदे जगह जगह घूम रहे हैं कि उगाही करना चाहते हैं कि हम खनन तब खोलेंगे जब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रणजीत राव जी, अरे भाई साहब, मैं आपको सबूत दे दूंगा, आप मेरे पास व्यक्तिगत आइए, मैं टीवी पे नहीं दे सकता, मजबूरी दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं कुछ चीजों को ओपन नहीं करना चाहता हूँ। उत्तराखंड का ओपन कर दीजिए, अनिल भास्कर जी ओपन कर दीजिए, जनता के सामने जनता के सेवक है, आप ओपन कर सकते हैं, सबूत दिखा सकते हैं। रावत जी को भूल जाइए कुछ समय के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात है, मैं आपको बेरोजगारी की बात कर बता रहा हूं आपको कि एनएसओ के आंकड़े हैं जिसमें 14% से ऊपर आज की तारीख बेरोजगारी चली गई है, और आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ 70% जो रोजगार मिलने थे युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को, आज कहाँ है वो 70% का आंकड़ा? आपके पास है कोई आंकड़ा बताइएगा, अगर आप जनता के बीच में रख सकते हैं तो। उत्तराखंड सुन लीजिए सुयाल साहब, सुन लीजिए, दो मिनट सुन लीजिए, ठीक है। आज जो फैक्ट्री है जिसमें से युवाओं को निकाल दिया गया, उत्तराखंड के युवाओं को, उसकी लड़ाई लड़ने का काम आपकी सरकार नहीं कर पा रही, आपके विधायक उनको उन उद्योगपतियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने उनको बाहर खड़ा कर दिया है, और उत्तराखंड के युवा अपने परिवार को लेकर के हरिद्वार बैठे हैं। आप आ जाइए सत्यम ऑटो में, पिछले कम से कम एक डेढ़ साल जी, अनिल भास्कर जी आंकड़ों के साथ बैठे हैं, आप भी कोई आंकड़ा लेकर आए या हवा हवाई बातें कर रहे हैं? सॉरी विनोद सोयाल जी जवाब दें, अनिल भास्कर जी आंकड़ों के साथ आए, आपके पास कोई आंकड़े हैं या हवा हवाई बात कर रहे हैं आप? आंकड़े की बात कर रहा हूं, तथ्यों की बात कर रहा हूं, आप आइए, आपको साथ लेकर के बैठूंगा मैं, अरगल बात नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, फिर सुन लीजिए, कांग्रेस का आदमी झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, संवेदनशील है पूरी तरह से जो है, तो युवाओं के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। तो आप हरिद्वार आइए, आप हमारे साथ बैठिए, मैं निवेदन करता हूं आपसे, मैं लेने आ जाऊंगा गाड़ी लेकर के। जरूर है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप जो सरकारी नौकरी थी वो भी छीन ली आपने, तो जो सरकारी नौकरी मिली थी वो भी छीन ली, जो कांग्रेस के समय मिली थी, जो कांग्रेस ने दी थी आपने वो भी छीन ली है। उत्तराखंड राज्य के अंदर राज क्या है कांग्रेस पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी वही है जिसने औद्योगिक पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, तभी जो है तो लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसके लिए जो है तो कई योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, कौशल विकास योजना है जिसकी स्किल डेवलप। प्रयास कब तक होगा साहब ये बता दीजिए, पिछले कई सालों से प्रयास सुन रहे हैं आप, ये बताइए कितनों को दिया, कितनों का छीन लिया, ये भी बता दीजिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप साफ साफ बताइए कि जनता को छल लिया है, आप जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना, योजनाएं बनाई है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करे, संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है, ना अब कोई पिछड़ा रहे, चार हो हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे, संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो विपक्ष की सुनो कहानी, सरकार की बेईमानी, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए और सीधे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के पास चलते हैं। समित टिक्कू, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर अनिल भास्कर सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, क्या आंकड़े आपके पास है बेरोजगारी को लेकर? सरकार ने जो वादा किया था क्या उसको पूरा किया है, या मौजूदा हालत क्या है? ये जहां तक अभी सरकार की बात करें तो जिस तरह से ये, अब मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो बयानवीर हो गए, कर्मवीर नहीं रहे, बयानवीर हो गए। और जिस तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस से भरपूर है, और लेकिन एविडेंस जो है वो जीरो है, कोई ऐसी योजना नहीं। इसकी आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं कि पिछली बार उत्तराखंड में रोजगार वर्ष था, जो उसका जो थीम रखा था वो रोजगार वर्ष था, और अक्टूबर या नवंबर में जब रोजगार मेला इन्होंने आयोजित किया था तो उसने ये एक भी रोजगार नहीं दिला पाए। तो इससे इनकी मंशा पे, इनकी नियत पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये पार्टी के बारे में तो खैर पूरी जग जाहिर है कि कतनी और करनी में इनमें बहुत बड़ा एक फर्क है। इस पार्टी में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो इन्होंने करी हो, एक मनी जनरेशन प्लानिंग की जानी चाहिए। कि इनका जो मुख्य ध्यान ये रहा कि कैसे जो है हम मुख्यमंत्री बदलते रहे, मतलब ये लोग सीएम सीएम खेलते रहे और पूरी जनता सेम सेम करती रही। तो इनका अगर ध्यान था, कुछ मुद्दे थे जिसमें एक रोजगार एक अहम मुद्दा था। एक चीज ये बता दें कि किस तरीके से इन्होंने उस रोजगार को एक पहाड़ी इन्होंने आत्मनिर्भर की बात कही है, बड़ी सही बात कही आत्मनिर्भर होने की, क्योंकि इनका कहना है कि आप अपना खुद निर्भर हो जाइए, अपना खुद चीजें ढूंढिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपको। और बहुत बहुत प्यार से बड़े इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने कहा कि अब जो है तेल जनता का निकाला जाएगा। तो इस तरह की इनकी जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से पहला मुख्यमंत्री आया वो नो वर्क मुख्यमंत्री था, दूसरा मुख्यमंत्री आया नो विजन मुख्यमंत्री रहा, और तीसरा मुख्यमंत्री अब आए उनके पास नो टाइम मुख्यमंत्री है। जब तक कुछ सोचने का होगा तब तक एक आचार संहिता लग चुकी होगी। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का। दोनों ही जो सरकारें रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, अभी तक ठीक मैं आऊंगा समित टिक्कू जी। विनोद सुयाल जी क्या कहेंगे, जल्दी से आप। कल पाया है आम आदमी पार्टी के रूप में, जिसको देखकर ये दोनों पार्टियां बौखलाई। ठीक है, विनोद सुयाल जी क्या कहेंगे जल्दी से, फिर मैं अनिल भास्कर जी के पास चलता हूँ। विनोद सुयाल जी जल्दी से अपनी बात को रखें। देखिये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के विश्वास पर खरा होने का प्रयास किया है। जो कार्य शेष रह गए उनको अगले 2-3 माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, और निश्चित रूप से उत्तराखंड के गांव-गांव में जो विकास की, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे गांव का संपर्क कराने की बात हो, चाहे कोविड के समय में जनता की सेवा करने का अवसर हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाया है। और हम जनता के मानकों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया। हमारी केंद्र की सरकार ने भी जिस तरह से यहाँ ढांचा का विकास के लिए जिस तरह से पैसा दिया है, आने वाले समय में उत्तराखंड पर्यटन का एक हब बनने वाला है। और तो बीच में कोविड आ गया, और निश्चित रूप से उत्तराखंड एक बहुत सुंदर राज्य बनने वाला है कुछ समय बाद। और हमारे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो 2022 का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी 57 करेगी और उस राज्य के अंदर पुनः सरकार बनाएगी। ये हमारी धारणा है, ये हमारा जिस पर हमारा काम चल भी रहा है। ठीक है, अनिल भास्कर जी आप जल्दी से अपनी बात को रखें। पहले एक बात ये बोलना चाहता हूँ, जो अभी सुहेल जी बोल रहे थे कि कोविड के समय हमने बड़ी मदद की है। पहली बात तो ये बोलता हूँ कि वैक्सीन से लेकर के और जो सामान बांटने तक की, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं जो सरकारी स्तर पर होनी चाहिए थी, कि सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के जो अन्य लोग थे उन्होंने अपने अपने कब्जे में ली, अपने अपने लोगों को बांटा, और बाकी जनता को उन्होंने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। पहली बात तो मैं साफ साफ ही आरोप लगाना चाहता हूँ, इसका सबूत हमारे पास है, आप कहिए तो जनता के सामने आप आकर के कर सकते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जो अभी बात हो रही थी महंगाई और बेरोजगारी की,
जब महंगाई की स्थिति इतनी खराब है उत्तराखंड के अंदर भी पूरे देश के हिसाब से और बेरोजगारी भी, उसमें जनता को क्या सेवा प्रदेश सरकार दे रही है उस पर कोई जवाब ना तो सोहेल साहब के पास है ना बीजेपी के किसी अन्य नेता के पास है। जब आज सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब आज की तारीख में इस पिछले साल इसमें सरसों की खेती पूरे देश के अंदर 19.5% अधिक हुई है और उसके बावजूद खाने के तेल की जो खपत है वो पूरे देश में कम हुई है, उसके बाद भी डबल रेट हो गए हैं खाने के तेल के और पूरे प्रदेश के अंदर भी स्थिति उसी प्रकार की है कि वहां पर भी महंगाई और बुरे चरम पर है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अगर किसी भी प्रकार से किसी को कोई मदद की हो, आर्थिक मदद की हो, तो बता दीजिए वो जिस प्रकार की मदद मोदी जी ने देने का काम किया था उल्लू बनाने का, पूरे देश को गुमराह करने का, उसी प्रकार का काम अभी धामी जी की सरकार पुष्कर धामी जी की सरकार का दीजिए। उल्लू नहीं बनाया, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे समझ चुकी है और ये भी जानते हैं। मैं आम आदमी पार्टी को लेकर की भी बात कह देना चाहता हूँ, अभी आज मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ठीक है ना, आज सुबह इसी बात पे लेकर के चर्चा हो रही थी कि जिस प्रकार से वहां फ्री बिजली बांटने की बात केजरीवाल सरकार करती है और जो मीटर वहां तेजी से भागते हैं वो 200 यूनिट तो वहां पे फ्री होती है लेकिन 200 मीटर के उसके यूनिट के बाद जिस प्रकार से बिल आता है वो जनता को वहां झलने का काम जिस प्रकार से किया जा रहा है वो छलने का काम भी उत्तराखंड में होने वाला है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो छलने का काम उन्होंने किया और अब जनता को रोजगार शिक्षा वैसे नहीं बोलते हैं उसके लिए भी तैयारी कर लीजिए कि कैसे आपको उसको काउंटर करना है। तो चलिए तमाम मुद्दे हैं और देखें जनता के नफ्स कौन छू पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनिल भास्कर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनोद सोयाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समीर टिक्कू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जय सिंह रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा एक तरफ निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और आम आदमी पार्टी फ्री विरी का दावा कर रही है। फिलहाल इन तमाम चीज़ों में जनता का दिल कौन जीत पाएगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।